जैसे कई बोलेंगे सीसी खराब हो सकता है, फ्लेक्स केबल खराब हो सकती है, वो सारी चीजें चेक की हुई है जो कि इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक आईसी, यहाँ पे आईसीओ में प्रॉब्लम है। तो जनरली अब आईसीओ कौन सी आईसी है तो मैं यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। जो अभी के आपको ये आईसी 102% देखने को मिलेगी। इसको हम बाईपास कर सकते हैं, पर इसको बाईपास करने से क्या रिजल्ट निकलता है क्या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आईसीओ का जंपरिंग उतने टाइम के लिए आपका सक्सेस आपको दे सकती है, आपका कस्टमर चला जाएगा पर अगले दिन फिर खराब हो गया, तो ये काम का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं ये समझता हूँ कि काम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। यहाँ से हमारा बी बस इनपुट हो रहा है इस कैपेसिटर के थ्रू जो कि यहाँ पे हमने पास। हम इसी चार्जिंग सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जनरली क्या है कि आजकल के जितने भी ओप्पो वीवो के नए सेट, जो रेडमी के जो सेट आ रहे हैं, रेडमी 6A के प्रो के बाद या 5A भी ले लो या 6 भी ले लो और इवन 4A के बाद भी जो भी सारे सेट आ रहे हैं उसमें एक आईसी कॉमन आ रही है, वो है OBP। मतलब भाई आपका ये तो सेट तो ठीक है, आप A3S में काम कर लेंगे पर दूसरे सेट में तो ना किसी ना किसी कैपेसिटर में मार देंगे। भाई आपने मान लो किसी इस आईसी के अगर इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट डाल दिया तो ये आईसी खराब हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि सीखना है प्रॉपर तरीके से और डिपेंड नहीं होना है डायग्राम पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है। मेरे पास में एक हैंडसेट है आज ओप्पो का A3S और जो कि ओप्पो के नए टेक्नोलॉजी वाले चिप के साथ में आते हैं और जो कि मदरबोर्ड जितने नए टाइप के जो हो गए 3G के बाद, जो अभी नए 4G हैंडसेट के आजकल आप मदरबोर्ड देख रहे होंगे, देखेंगे कितनी सारी आईसीओ के साथ आ रहे हैं। और कभी कभी जो नए टेक्नीशियन देखते होंगे वो कंफ्यूज हो जाते होंगे, बेचारे सोचते होंगे यार इतनी सारी आईसीयां लगी हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, कब वो दिन आएगा कि जब हम इनके बारे में जान जाएंगे कि कौन सी आपकी वाईफाई आईसी है, कौन सी आपकी मेन पावर है, कौन सी सब पावर है, कौन सी चार्जिंग आईसीयां हैं, कौन सा नेटवर्क सेक्शन है और सारी चीज़ें। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, पर कुछ भी आसान नहीं होता है, कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, उसको सीखने के लिए बहुत परिश्रम और मेहनत करनी होती है। तो वो करने के लिए क्लासेज ज्वाइन आप कीजिएगा तो 102% आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये सारे काम बहुत आसानी से इजीली कर पाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं इसमें है ना चार्जिंग का फॉल्ट है, मैं अभी आपको फॉल्ट दिखा देता हूं जनरली। और इसका डायग्राम जो है ना मैंने बहुत ढूंढा और मुझे ना गूगल में इसका डायग्राम मिला नहीं है अभी। हाँ हो सकता है डायग्राम कई पेड फर्मवेयर में इसका डायग्राम मिल सकता है, पर जनरली गूगल में तो इसका डायग्राम नहीं है और अभी कोई ढूंढ के दे दे तो एक बहुत अलग बात है। फिर भी मैंने इसका डायग्राम ढूंढने की कोशिश की है, ऑनलाइन में भी इसका डायग्राम नहीं है, जिन जाओ में भी देखा मैंने इसका डायग्राम नहीं है। तो मैंने सोचा क्या डायग्राम के भरोसे पर ही हम टिके हुए हैं क्या, अगर कोई डायग्राम नहीं मिला तो उसके सर्किट को बनाया नहीं जा सकता है। नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डायग्राम के भरोसे पर टिके नहीं रहना है, बिना डायग्राम के हमको सर्किट बनाना आना चाहिए, हमको अपने फ़ोन को रिपेयर करने आने चाहिए। देखिए एक टेक्नीशियन ये होता है जो 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत करता है और उसको पता है कि भाई ये वाला फ़ोन आया था इसमें ये आईसी का फॉल्ट था, तो अगले दिन वो क्या करता है वो उसी आईसी पे काम करता है, जब नेक्स्ट टाइम उसके लिए यही फॉल्ट सेम आता है तो वो बिना सोचे समझे वो सीधे वो आईसी पे काम कर देता है क्योंकि वो उसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाता है। पर नहीं, हमको डायरेक्ट सोल्यूशन पे काम नहीं करना है, हमको पूरा सर्किट समझना है। मैं ही समझता हूँ अगर आप सर्किट समझेंगे तो आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद डायग्राम बनाएंगे। देखिए आज एसर टेलीकॉम ने इसका पूरा डायग्राम और इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन भी आपको बना के दिया हुआ है। डायरेक्ट सोल्यूशन जुगाड़ वालों को कि अगर आपको जुगाड़ करना है, अगर सीखना है मेरे भाई तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो सीख के करेंगे तो एक फोन नहीं हजारों फोन बना पाएंगे, डायग्राम से तो एक ही फोन बनता है। तो दोस्तों डायग्राम मैं बोलना चाहूंगा डायग्राम जरूर पढ़ें और डायग्राम से जरूर आपको सीखें क्योंकि डायग्राम से सीखने पर आपको मिलेगा बहुत नॉलेज। सो चलिए बात की यहाँ पे बैटरी का कनेक्टर, देखिए बैटरी का कनेक्टर लगा दिया है और मैं इसको चार्ज पे डालूंगा, फोन पूरा मेरा ओके फोन है बट ये चार्ज नहीं ले रहा है। सो देखिए यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप ये कॉर्ड मेरी, ठीक है मैं पूरा आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। इसको मैं कॉर्ड को इस टाइप से ले लेता हूँ, चलिए ठीक है कोई नहीं है। अब आई होप कि आपको कॉर्ड पूरी तरीके से दिखाई दे रही होगी। ये मेरा 8 पोर्ट USB चार्जर है, बहुत अच्छा है, ये मेरे को बताता है कि कितना एम्पियर ये ले रहा है कितना नहीं ले रहा है। अब देखिए मेरा बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है, मेरा बैटरी बिल्कुल सही है, फ़ोन मेरा ओके कंडीशन में है पर ये चार्ज नहीं ले रहा है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लगाया तो देखिए कोई भी एम्पियर शो नहीं किया, इसका मतलब कि इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। चलिए इसी को मैं ना सेम दूसरे फ़ोन में लगा के दिखाता हूँ, फिर बाद में इसके वोल्टेज बताता हूँ कि आप में से कई बोलेंगे सीसी खराब हो सकता है, फ्लेक्स केबल खराब हो सकती है, वो सारी चीज़ें चेक की हुई हैं जो कि इसमें प्रॉब्लम है।
यहाँ पर एक आईसी यहाँ पे आईसीओ में प्रॉब्लम है। तो जनरली अब आईसीओ कौन सी आईसी है तो मैं यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। जो अभी के नए आपको ये आईसी 102% देखने को मिलेगी। सो अब देखिए मेरे पास में एक ओप्पो का सेट है, चार्जिंग लगाते साथ में यहाँ पर देखिए एम्पियर यहाँ पे शो होने लगा और इस फोन में यहाँ पे चार्जिंग भी हो रही है। तो देखिए 0.20 यहाँ पर एम्पियर ले लिया है। अब इसका बैटरी कनेक्टर लगा देते हैं तो ये चार्जिंग लगातार ले लेगा क्योंकि पहले बैटरी कनेक्टर नहीं लगा था। सो देखिए क्योंकि ये चार्ज भी ले लेगा एमपीए भी दिखाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पीसीबी और यहाँ पर मैंने ये आपके लिए सेट कर दिया है मल्टीमीटर 20 वोल्ट का, ठीक है, जैसे कि आप उसकी स्क्रीन देख रहे होंगे। अब यहाँ पर ये मोबाइल था मेरा, मैंने इसको निकाला है, डिसेंबल किया है और यहाँ पर ये इसकी बैटरी निकली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में हमें क्या चेक करना चाहिए तो हम बता देते हैं। तो चार्जिंग सेक्शन में सबसे पहले जो रिलेटेड होता है वो होता है फ्लैक्स केबल, और उससे पहले भी उससे चार्जिंग सेक्शन में जो होता है मेन वो होता है आपका मेन चार्जिंग कनेक्टर और आपका ये जो नीचे का पीसीबी का बोर्ड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर मेरे, तो देखिए तो ये मेरा फ्लैक्स केबल है। तो सबसे पहले मैं ये फ्लैक्स केबल को चेक कर लेता हूं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा बोर्ड, मैंने इसको पूरी तरह से ओपन करके रखा हुआ और यहां पर व्हाइट पेज के साथ में ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो ये फ्लैक्स केबल इस तरह से लग जाता है और यहाँ पर ये मेरा चार्जिंग केबल, ये देखिए यहाँ से मैंने दो स्क्रू पूरे निकाल के रखे हुए हैं। ये मैंने आपकी ट्रेसिंग के लिए मैंने किया हुआ, हालांकि मोबाइल बनाना बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बन जाए। तो ये इस तरह का यहाँ पे USB 5 पिन का यहाँ कनेक्टर यहाँ पर लग गया है। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये इसकी केबल यहाँ से देखिए यहाँ से इसकी केबल इस तरह से डायरेक्ट जा रही है और ये केबल यहाँ जाके इस कनेक्टर पर जाके मिल रही है। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इस तरह से इसको लगा देंगे यहां पर और इसको चेक करेंगे कि ये देखिए ये हमने लगा दिया है और ये हमने कर दिया कनेक्टर सीधा। अब हम इसको इस तरह से लगा देंगे, यहां पे हम स्क्रू भी टाइट कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैंने इसको इस तरह से कर दिया और ये मैंने केवल नीचे की भी लगा दी है। तो मतलब कनेक्शन मैंने पूरा दे दिया है और मैं जितना भी हो सकता है डीपली मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि फ्री की है, जितना हो सकता है आप अगर सीख जाएंगे तो ये आप ही पर है। सो अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक लगाते हैं USB चार्जर। देखो ये USB चार्जर मैंने लिया है और ये मैंने यहाँ पर लगाया और ये USB चार्जर यहाँ से लग गया है और ये फ्लैक्स केबल और ये कनेक्टर भी इसको पूरे सही तरीके से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है और क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे होंगे कि सर आप डायरेक्ट पहले कनेक्टर CC चेंज करो फिर, क्योंकि ये देखो ये बेसिक है, आपको सबसे पहले CC चेंज करके देखना है। CC के भी वोल्टेज आप इस पूरे यहाँ पे कवर को निकाल के इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ज्यादा है तो आप इसका ये ग्लू ओपन करके यहाँ पे 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं। बट आपको अगर डायरेक्ट चेक करना है तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ग्लू लगा एक तरह से प्रोटेक्शन है। तो आपने करना क्या है तो आपको ये सीधी केबल जो जा रही है केबल के एंड में आपको यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ और क्योंकि मैंने इसकी ट्रेसिंग करके रखी हुई है तो मुझे पता है इसके बाद जो वोल्टेज कहाँ जा रहा है, तो ये भी चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा डायग्राम आपको जो बेसिकली एक हमने बनाया है बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए डायग्राम तो हमें मिला नहीं और हमने बहुत ढूंढा भी नहीं, हम सच बताएं तो जनरली फोन आया है डायरेक्ट सोल्यूशन देखा जाए तो ये इसकी मेन आपकी चार्जिंग IC लगी हुई है, सब चार्जिंग IC जो कि DC to DC कन्वर्टर IC लगी हुई है। यहाँ इसका ये बैटरी कनेक्टर है, ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है और ये है इसका FPC कनेक्टर और ये इसका FPC कनेक्टर, बेसिकली ये इसका इसको बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर और बॉटम कनेक्टर भी कहते हैं जो कि नीचे आपके बॉटम PCB में कनेक्ट होता है। ये इसका यहाँ पर मेन आपकी पावर IC है, ये इसकी वाईफाई IC दी हुई है और यहाँ पर आप जैसे कि छोटी छोटी IC देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये पूरा इसका चार्जिंग सेक्शन है। तो हम इसी चार्जिंग सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों क्योंकि जनरली क्या है कि आजकल के जितने भी ओप्पो वीवो के नए सेट जो रेडमी के जो सेट आ रहे हैं Redmi 6A Pro के बाद या 5A भी ले लो या 6 भी ले लो और इवन 4A के बाद भी जो भी सारे सेट आ रहे हैं उसमें एक IC कॉमन आ रही है, वो है OVP मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जिस ICO के बारे में अब तक YouTube में बहुत हद तक किसी ने बात नहीं की है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से वो IC यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डीपली मैं आपको पहले ऊपर सेक्शन बता दूं फिर बाद में आपको यहाँ पर सारी चीज दिखा दूंगा।
अब अच्छा यहाँ पर हम बात करें, ये मेरा मल्टीमीटर अपने आप ही वोल्टेज दिखा रहा है। देखिए मैंने इसको कर दिया है जीरो और ये है 20 वोल्ट पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कनेक्टर क्या है। बेसिकली यहाँ से इसका नंबर, पहले नंबर डिपेंड से इसकी वीबस की लाइन चालू होती है जो कि इस कैपेसिटर पर जाकर मिलती है। तो हम एक यहाँ पर कैपेसिटर पर इनपुट वोल्टेज ढूंढेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज ढूंढ रहे हैं, तो हमें देखिए हमें यहाँ पर 5.19 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप मल्टीमीटर में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो यहाँ पर 5.1 वोल्टेज का मतलब ये हो रहा है कि ये केबल बिल्कुल सही है, इनपुट लाइन सही है और नीचे लगा चार्जिंग कनेक्टर और ये सब तरह के कनेक्शन जो लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कनेक्टर भी लगा हुआ है और ये मेरा चार्जिंग में यहाँ पर केबल भी लगी हुई है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, मुझे नीचे कोई काम नहीं करना है। जो भी मेरा काम है इस मदरबोर्ड या पीसीबी प्रिंट पीसीबी इस मदरबोर्ड या पीसीबी प्रिंटर सर्किट बोर्ड में है। अच्छा हम सबसे पहले देखिए चार्जिंग सेक्शन में आप हमेशा बैटरी कनेक्टर के वोल्टेज हमेशा सबसे पहले नंबर पर चेक कीजिए कि आपके बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए अब ये सबसे पहले आपको मेन ये पता करना है कि आपकी चार्जिंग सेक्शन में इनपुट लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी चार्जिंग आईसी इस चार्जिंग आईसी के आसपास के एरिया में हमेशा है ना 5 वोल्ट इनपुट लाइन चेक कीजिएगा। तो हमने धूरा इसको और हमने इसको ट्रेसिंग करके देखा तो इसकी ये कैपेसिटर पे यहाँ पे इनपुट 5 वोल्ट होते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर इसको इनपुट वोल्टेज नहीं हो रहे हैं। मैं किस तरह से चेक कर रहा हूँ, मैं हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने रेड वाला सिरा को टेस्टिंग पॉइंट पर रखा हुआ है और ब्लैक वाले सिरे को मैंने रखा हुआ है ग्राउंड पे। और बेसिकली मैं कैपेसिटर के एक सिरे पे रखा हूँ, दूसरा सिरा इसका ग्राउंड है क्योंकि लगा है पैरेलल और यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ और जैसे कि मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिला। जैसे मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट तो मिल गया क्योंकि यहाँ से होते हुए इस मॉसफेट के थ्रू इस ओबीपी आईसी से होते हुए इस आपके कैपेसिटर से इस मेन आईसी पर जा रहा है और जो इसको रेगुलेट करके वो इसके वीबैक पर इसको दे रहा है। दोस्तों बहुत सारी सप्लाइयों में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे समझाने के लिए, बहुत कुछ है। फिलहाल मैं आपको एक कंटिन्यूटी मोड पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने ट्रेसिंग की है। देखिए मैंने यहाँ पे इसका कनेक्टर निकाल दिया है और अब मैंने इसको कर दिया है कंटिन्यूटी मोड पे। तो देखिए मैंने इसको कंटिन्यूटी मोड पे कर दिया है यहाँ पर। अच्छा इसमें बीप सुनाई नहीं देगी इसलिए यहाँ पर आपको ना लाइट दिखाई देगी, जब जब यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलेगी वो लाइट बजाएगा, लाइट दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एक सिरा ग्राउंड और दूसरा ग्राउंड ग्राउंड पर रखा तो लाइट बजा दी, जैसे मैंने दोनों को मिला दी तो लाइट यहाँ पर जल गई है। तो आप समझ जाइएगा कि कंटिन्यूटी अगर मिल रही तो लाइट जल रही है। तो इसका मेन पहले और इसके ये वाले पॉइंट पे इसका ये पहला मान लेते हैं, ये पहला और दूसरे पॉइंट इसका एक है। सो देखिए यहाँ पर ये लाइट बजा देगा और इस पॉइंट से जो बीबस है वो इस कैपेसिटर से होते हुए जा रहा है। देखिए मैं अगर एक सिरा यहां लगा रहा हूं, एक सिरा यहां लगा रहा हूं, देखिए लाइट जल रही है, इसका मतलब ये लाइन इससे कनेक्टेड है। अब ये समझाने के लिए हो सकता है आप ये सोचे कि भाई मैं ग्राउंड के साथ टच कर रहा हूं, तो मैं आपको देखिए एक सिरा मैंने ऑलरेडी ग्राउंड पे लगा दिया है, देखिए यहां पे कोई लाइट जल रही है क्या? नहीं। जैसे यहां पे टच करेंगे तो लाइट जलेगी क्योंकि ये सिरा आपका ग्राउंडेड है, ये सिरा आपका यहां पे इसकी कनेक्टिविटी दी हुई है जो कि बीबस की लाइन है। अब इसको मैं कोल्ड टेस्टिंग करता हूं, कोल्ड टेस्टिंग करके हम इस पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस हमें कहां से कहां मिल रहा है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर या देखिए यहां पे मुझे कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल किसी दूसरे में टच करता हूं, देखिए यहां पर जैसे मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहां पे मुझे कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो रीजन ये हो सकता है कि ये आईसी खराब हो सकती है क्योंकि ये कैपेसिटर इसके बगल में लगा हुआ है, एक मॉसफेट आईसी है दोस्तों, ये बिल्कुल नए सर्किट में आती है। मैं इन दोनों आईसी को कैसे बाईपास करते हैं ये पूरा आपको टेक्निक सिखा सकता हूं, पर ये मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं इस आईसी पर काम करूंगा और इस आईसी को चेंज या इसको रिवॉल्व करके देखूंगा। जनरली ये आईसी चेंज होती है, रिवॉल्व से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आईसीयां खराब हो जाती है, फिर भी मैं इसको रिवॉल्व और चेंज करके देखूंगा और उसके बाद फिर मैं इस आईसी पे काम करूंगा इस पूरे वीडियो में। अगर यहां तक काम हो जाता है तो मैं इस आईसी पे कर लूंगा, फिर भी मैंने ट्रेस किया है, मुझे लगता है इन आईसीओ पे काम हो जाना चाहिए। दोस्तों जनरली आजकल के जितनी भी सेट आ रहे हैं ना वो ज्यादातर ना इस तरह की आईसी चार्जिंग, वो आपकी मेन चार्जिंग आईसी तक आपको आपका इनपुट वोल्टेज पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट भी बहुत गड़बड़ा गए, वो कहते हैं सर मैंने पीएमआई चेंज कर दी है, मैंने एसएमबी चेंज कर, मतलब बहुत सारी आईसी का नाम ले लेते हैं, सर मैंने ये चेंज कर दिया फिर भी नहीं हो रहा है। भैया आप ये देखते नहीं हो कि आपके इनपुट लाइन पे आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? अब देखिए इस सर्किट का कोई सर्किट डायग्राम नहीं है, फिर भी मैंने इसका सर्किट डायग्राम बनाया अपने हिसाब से और इसके सर्किट डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस पर काम करके दिखा देता हूं, उसके बाद में मैं इसका पूरा सर्किट एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि आपको पूरा अगर कुछ भी आप एक छोड़ देंगे ना तो फिर आप मिस करेंगे, फिर आप कहते हैं कि सर ये वीडियो बना दो वो वीडियो बना दो पूरे एंगल के साथ वीडियो बना दो। तो हमने कोशिश की आपको पूरा डिटेल में समझाने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां पर मैं कंटिन्यूटी आ रही है, ये है मॉसफेट 6 लैग का, इसको 6 लैग का मॉसफेट बुलाएंगे हम
और ये क्या है, डायोड से मिलकर बना होता है, ट्रांजिस्टर से नहीं, क्योंकि ट्रांजिस्टर रेगुलेशन का काम करता है। ट्रांजिस्टर लगा होता तो कुछ वोल्टेज में कम देखने को मिलता, बट यहाँ पर क्योंकि कुछ वोल्टेज बिल्कुल डायरेक्ट आना है यहाँ पर, 5 वोल्ट मिलना चाहिए हमको और तब जाके हमें यहाँ पर चार्जिंग का आपको मिलेगा। सो मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका मॉस्फेट लगा हुआ है ये डायोड से मिलकर बना हुआ है, सेम ओबीपी भी आपकी डायोड से मिलकर बनी हुई है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन आईसी है जो सर्किट को केवल प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी बनाई गई है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपने मान लो कभी ऐसा हुआ कि चार्जिंग पे डायरेक्ट घुसा दिया आपने अपना 5 वोल्ट की जगह, आपने कई लोग होते एसी घुसा देते हैं, कई फ्लक्चुएशन होता है, तो आपकी ये आईसी खराब नहीं, क्योंकि डीसी टू डीसी आईसी है, इसका खराब होने पर आपका बोर्ड ही बंद हो जाएगा। अगर ये आईसी खराब होती भी है तो चार्जिंग नो चार्जिंग पे आ जाएगा, तो जैसी अगर ये खराब होती है तो आपका पूरा बोर्ड बंद हो जाएगा, क्योंकि डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। और अगर पर ये खराब होती है तो नो चार्जिंग आपका आ जाएगा, कोई चार्जिंग एरर बनकर आ जाएगा। सो इस तरह के साइन जो बनकर आते हैं वो जनरली इस पर वाटर डैमेज या इसके गिरने की, इसके क्रैक होने की वजह से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि देखिए इस कैपेसिटर में मुझे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए ये मैंने 20 वोल्ट पे डाला, मैंने हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ, ब्लैक वाले को मैं ग्राउंड पे रख रहा हूँ, रेड वाले को मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ रखा तो देखिए मुझे 5 वोल्ट इनपुट मिल गए। अब देखिए मुझे यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं, इसका मतलब ये जो आईसी है ये सही है, क्योंकि यहाँ से होते हुए वोल्टेज है ना यहाँ जा रहे हैं, ये इस आईसी के इनपुट में लगा हुआ है, तो जनरली इस आईसी पर ये सही है। बट देखा जाए तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए, ये वाले कैपेसिटर पे मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि ये वाले कैपेसिटर पे मुझे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 5 मिल रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ पर भी जम्पर मार सकते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, पर दोस्तों ये करना नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये करोगे ना तो बहुत गड़बड़ा जाएगा सेट, मतलब आगे इन फ्यूचर आपका कस्टमर आपके एक हफ्ते बाद खड़ा ही हो जाना है, और वो क्योंकि डायरेक्टली ये आईसी पर फर्क हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता भी ना, देखिए ये जुगाड़ है, अगर ऐसा होता भी तो फिर कंपनी क्यों लगाती भाई, कंपनी ने भी तो प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि ये एक हैवी सेट है, यहाँ 4G आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, नॉच डिस्प्ले है, बहुत सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दी है जो कि 3G और लेटेस्ट जो 4G से भी ऊपर यहाँ पर सेटों में आया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर हर छोटी छोटी एक आईसी है, यहाँ पर ड्राइवर आईसी और हर छोटी छोटी आईसी लगा के रखी हुई है, वाइब्रेटर तक आईसी यहाँ पर लगा देते हैं। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आईसीओ को बायपास करना कम सीखें, उसको चेंज करना ज़्यादा सीखें, और में आईसीओ को रिप्लेसमेंट के लिए आपको आईसीओ परचेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप परचेस कर सकते हो नीचे दिए नंबर पे जेड एक्स मलिक, जिसपे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए तो हम इस आईसी को निकालते हैं इसको, और इसको चेंज करके इसको लगाते हैं, और फिर लगाने के बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इसको वोल्टेज अगर मिला और नहीं मिला है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि भाई ये इस आईसी से कहीं ना कहीं कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, जो कि इसको वोल्टेज यहाँ पर आने नहीं दे रहा है, या किसी तरह का रिवर्स प्रोटेक्शन यहाँ पर हो रहा है। सो ये मैं इसको देखूंगा चेक करके, पर सबसे पहले यहाँ पर इस आईसी पर काम कर लेता हूँ, और उसके बाद में जब इस बोर्ड को बनाने के बाद में एंड में मैं आपको इसका सर्किट समझाऊंगा जो कि हमने इसका बनाया था, और बायपास भी बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पर अगर जंपर भी लगाना है तो वो कैसे काम कर रहा है बेसिकली, ताकि आपको भी भविष्य में पता चले कि भाई आपका ये तो सेट तो ठीक है, अब A3S में काम कर लेंगे, पर दूसरे सेट में तो ना किसी ना किसी कैपेसिटर में मार देंगे भाई, आपने मान लो किसी इस आईसी के अगर इस पॉइंट पे भी 5 वोल्ट डाल दिया तो ये आईसी खराब हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि सीखना है प्रॉपर तरीके से और डिपेंड नहीं होना है डायग्राम पर, ठीक है। तो मल्टीमीटर को करते हैं बंद, हमेशा मल्टीमीटर को बंद कीजिए जब आप काम नहीं कर रहे, अननेसेसरी मल्टीमीटर पर आप लोड मत डालिए, नहीं तो जनरली ज्यादातर मल्टीमीटर करंट हमेशा रनिंग पे ही खराब हो जाता है। मैं कहता हूं अगर वो बीच में बंद भी हो जाता है तो ये भी अच्छा चीज है, पर फिर भी उसको बंद करने की आदत डालिए। अब बोर्ड को कर लेते हैं डिसेंबल, तो ये मैंने अपना चार्जिंग कनेक्टर निकाल लिया है, एपीसी कनेक्टर बोलते हैं इसको, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर भी बोलते हैं, ये मैंने निकाला है। ओके, ये निकाल के बिल्कुल अलग ही रख लिया है। ये मैंने निकाला डिस्प्ले कनेक्टर, ये लाइट और डिस्प्ले कनेक्टर है, ये मेरा चार्जिंग कनेक्टर दिख रहा है यहाँ पर, और ये मेरा पावर आईसी है मेन, ये मेरी PMIC है, यहाँ पर मेरी वाईफाई आईसी लगी हुई है, ये पावर रिसेट और यहाँ पर RF, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन दिया हुआ, छोटी छोटी आईसी है, इसको बहुत अच्छे डिटेलिंग में कर सकता हूँ पर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जितना हो सकता है। तो देखिए ये ऑलरेडी मैंने खोल के रखा हुआ था, जब भी काम करें तो नीचे एक इस तरह का टिश्यू पेपर नीचे रख लें, ठीक है। और कैमरा उतार लेता हूँ मैं, यहाँ पर हॉट गन यूज कर रहा हूँ। देखिए कैमरे मैंने यहाँ पे उतार लिए, ड्यूअल कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये निकाल देता हूँ। ये बोर्ड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा इसका,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इसको देखिए, हमें क्योंकि इस आईसी पे काम करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमको यहाँ पर 5 वोल्टेज मिल रहे थे मॉसफेट की वजह से यहाँ पर, तो हम इन दोनों आईसी को निकाल देते हैं। और जनरली मैं फिलहाल चलो इस पे ही काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा था, अगर यहाँ पर नहीं मिलते तो फिर ये इसका काम करता, हालांकि यहाँ से यहाँ जंपर देके काम करा लेता, पर क्योंकि शॉर्टिंग लीकेज कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इसको निकाल कर रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं इस आईसी को निकाल के काम करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं कि क्या करते हैं, और उसको डीपली में समझाऊंगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर किया। अभी फिलहाल हमें काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जो इसको प्रोटेक्शन करना जरूरी है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सिल्वर टेप यहाँ पर यूज करते हैं, और एक सिल्वर टेप यहाँ यूज करते हैं, और कोशिश करते हैं यहाँ पर भी टेप यूज किया जा सके, तो हमारा कवर हो जाएगा एरिया जिसमें हमें आईसी निकालने में सावधानी होगी। ये जितने भी जो पुराने भी देख रहे होंगे, ये सिल्वर टेप के बिना ये करे नहीं काम, क्योंकि शुरू से में ये बहुत आसान लगता है, पर छोटी मोटी गलतियां भी कस्टमर के साइड को डैड कर देती हैं। देखिए ये सिल्वर टेप होता है इस तरह का, ये सिल्वर टेप आप जितना अच्छा है आप उतना ज़्यादा यूज करें, क्योंकि वो सस्ता आता है, वो ज़्यादा महंगा आता नहीं है, 150 रुपये में आपको अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा। और दोस्तों हमने नंबर जो हमने चालू किया है उसमें आप 1800103 और 7001 में कॉल करके स्टेशन 2 पे आप कोई भी प्रोडक्ट का रेट जान सकते हैं, उसको परचेस कर सकते हैं, और आपके घर तक वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये हमने यूज किया, एक प्रोटेक्शन हमारा ये हो गया, और मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी भी कोरोना चल रहा है, तो जितना हो सकता है दुकान पे मास्क और ग्लव पहन के काम कीजिए, क्योंकि दुकान दोस्तों खुली होती है, कोई भी आता जाता है, घर पे पहने, घर पे जरूरत नहीं है, आप बैठे हैं तो पहन रहे हैं। सैनिटाइज देखिए, तो दूसरा हमने ये एरिया प्रोटेक्ट कर लिया, और अब हम ये करेंगे। देखिए बिना ये किए आईसी निकाल देना और ये कहना कि भाई मैं, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बहुत महान टेक्नीशियन हूँ, तो दोस्तों महान टेक्नीशियन बनने का कोई मतलब नहीं है, समझदार टेक्नीशियन बनिए, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि बाद में क्या पता फिर ये आईसी के बाद में फिर आपको पता चला पावर आईसी हिल गई है, वो आपको फिर करना है, कनेक्टर आपका थोड़ा जल गया वो आपको करना है। तो मैं समझता हूँ कि प्रोटेक्शन करेंगे तो आपको फिर कोई भी दिक्कत, आपको ऐसी परेशानी नहीं आएगी, तो प्रोटेक्शन आप करेंगे तो ये आपके लिए ही फायदा है, भले आप कितने भी बड़े टेक्नीशियन क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ इस तरह से लगा दिया है, यहाँ पे मैं करने की जरूरत नहीं है, बस इतना प्रोटेक्शन हमारे लिए काफी है, क्योंकि ये कनेक्टर बहुत पतले और बहुत, क्योंकि ये कनेक्टर बहुत नाजुक और कमजोर होते हैं, तो इस कनेक्टर पे मैं थोड़ा एक प्रोटेक्शन एक लेयर और चढ़ाऊंगा। दोस्तों ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके बिना भी कर सकता हूँ बहुत आसानी से, और कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, नए विद्यार्थी देख रहे हैं, वो सीखें कि कैसे कैसे काम हो सकता है, और हम कोशिश करते हैं कि पूरे सही तरीके से और सही पैमाने पर काम सिखाएं, क्योंकि एक जुगाड़ू टेक्नीशियन बनना कोई अच्छी बात नहीं है, और इस तरह के टेक्नीशियन तो हमारे यहाँ सभी तरह के हैं, और वो जनरली ज़्यादातर सोल्यूशन वही मांगते हैं। ठीक है, डबल लेयर प्रोटेक्शन, तो मेरे लिए प्रोटेक्शन सही हो गया। चलिए
तो देखिए हमने यहाँ एसी लगा दी है, अब हमने ये इसको निकालते हैं। ये हमारा प्रोटेक्शन, ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि नए स्टूडेंट भी सीखें सारी चीज़ें कि किस तरीके से ये लगनी है। देखिए यहाँ पे हमने आईसी लगा दी है, अब जितना हो सकता है अच्छे से साफ कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, है ना। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा एस आई सी के बारे में। इसके बॉलों के अंदर की मैं डिटेलिंग दूंगा, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो बॉल कि मैंने क्यों यहाँ पर यूवी ग्लू का यूज़ नहीं किया, वो रीज़न क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको। ये तो मैं यूवी ग्लू का यूज़ करके अच्छे से यहाँ पे बॉल को सेपरेट कर देता, क्योंकि दोनों बॉल ग्राउंडेड थी इसलिए उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। मसले यही थे, एस आई सी का ही फॉल्ट था। तो चलिए सबसे पहले इसको इधर बोर्ड में लगाते हैं हम। ठीक है, और ये दो हमारे ड्यूअल कैमरा है हमारे रियर, ये हमारे ड्यूअल कैमरा जो कैमरा है हमारे रियर, ये हमने लगा दिए यहाँ पर। डिस्प्ले का हम माउंट कर देते हैं डिस्प्ले देखने के लिए, ओके। और ये हमने लगा दिया यहाँ पे अपना चार्जिंग कनेक्टर। चलिए और यहाँ हमने लगा दिए चार्जिंग कनेक्टर अपनी केबल, देखिए केबल भी लगा दिए, सारी चीज़ हमने देखी है यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। अब इसको लगाते हैं यहाँ पर, अब इसको करते हैं वापस 20 वोल्ट पर कर दिया है, और यहाँ लगाते हैं वापस चार्जर। तो ये चार्जर यहाँ पर लगा दिया है, ये देखिए, और अब यहां हम करेंगे इसको चेक। ठीक है, यहां हम करेंगे इसको चेक। तो ये 20 वोल्ट में सेट है, हमने दोनों प्रूफ्स को उठा लिया है, और ब्लैक प्रूफ को हम कर देते हैं ग्राउंडेड। देखिए पहले हम यहां पे चेक करते हैं, तो देखिए यहां पर हम चेक करेंगे हमारे 5 वोल्ट, तो मल्टीमीटर को करते हैं बंद और फिर इसको करते हैं फिर से चालू। ठीक है, जीरो कनेक्ट जीरो पॉइंट में आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमें 5 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट आ रहे थे, मैंने कहा यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो देख जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर कनेक्टर पर अपने 5 वोल्ट देखूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग के, तो देखिए यहाँ पर हमको चार्जिंग का हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हैं 4.3 हमको यहाँ पे वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, और ये चेक करते हैं कि हमें एम्पियर शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ ले आते हैं मोबाइल फ़ोन, देखिए इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया ताकि आपको मोबाइल फ़ोन भी दिखाई दे और ये भी दिखाई दे। ठीक है, दोनों चीज़ दिखाई दे आपको, इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। चलिए तो यहाँ आपको ये दिखाई दे, ठीक है। अब ये मोबाइल फ़ोन हमने यहाँ लगा दिया, अब इसको पूरी तरीके सेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम वापस यहाँ पर अपना चार्जर लगाएंगे जो कि ये है, और देखिएगा यहाँ पर एम्पियर। तो पहले मैंने यहाँ लगाया था, और फिर से देखिएगा यहाँ पर एम्पियर। तो जैसे ही मैंने इसमें लगाया, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ एम्पियर लेना चालू कर दिया। ठीक है, और इसमें बैटरी लगा देते हैं, देखिए इसको निकाल देता हूँ और इसमें बैटरी लगाता हूँ। पहले मैं इसकी बैटरी मैंने कहाँ रख दी है, ये रखी है, देखिए इसकी बैटरी लगा देते हैं। ये देखिए ये इसकी बैटरी लग गई, ठीक है।
यहाँ पर हम चार्जर को अच्छे से असेंबल कर लेंगे बाद में। फिलहाल ये हमने तो इस तरह से पैक कर दिया है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब ये देखिए, देख रहे होंगे आप डिस्प्ले में चार्जिंग का लोगो, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए आ गया। तो पहले ये सेट चार्ज नहीं हो रहा था, ये सेट ओके कंडीशन है, चालू है, पर सिर्फ चार्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर आपको चार्जिंग यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है इस सेट में, इस तरीके से मैंने इस सेट को बनाया और इसकी चार्जिंग को इनेबल किया। तो चलिए इसको डीपली में समझते हैं, इसका सर्किट को। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैंने कहा वीडियो लंबे होते हैं पर समझ आपको फायदे के होते हैं। चलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कि जो सेक्शन में मैंने काम किया बेसिकली वो आईसी क्या काम की है और उसके अंदर का क्या सर्किट है। ओके, तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो? ये वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपने समझा होगा किस तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मैंने यहाँ पर आपको पूरी ट्रेसिंग आपको समझाई है यहाँ पर, और सारी चीज़ बताई है, एक आईसी का इनपुट और एक उसका आउटपुट। अब बात करते हैं एक आईसी की। तो जैसे कि आप यहाँ पर सर्किट में देख रहे होंगे, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दो आईसीओ के और बताया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर आपको ये फोटो चाहिए क्योंकि ये हमने खुद ही बनाई है, या आपको गूगल पे सर्च करने नहीं मिलेगी, ना ही हमने किसी दूसरे बाहर के देशों के उनसे निकाल के अपना नाम डाला, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस पे अपना ये हमने खुद बनाई है। तो ये आपको अगर चाहिए तो नीचे लिंक आपको इसको मिल जाएगी, आप उसको क्लिक कीजिएगा तो ये फोटो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसको बनाने में आसानी जाए। तो यहाँ पर आपको ये देखिए दो आईसी आपको जो दिखाई दे रही है, तो ये आईसी है मॉसफेट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, और इसमें 6 पॉइंट होते हैं। इसके पहला, दूसरा और छठवां, पांचवा इसका बी बस होता है, और इसका जो चौथा होता है वो आउटपुट होता है। बेसिकली गेट, आपने गेट और इसका ड्रेन जो आपने सुने ही होंगे किसी भी एक मॉसफेट में होते हैं। बेसिकली आपने मॉसफेट के बारे में जितना भी सुना होगा, इसको पूरा कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, ये आपको क्लास में हम बहुत बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। खैर, और जो दूसरी आईसी की मैं बात करता हूँ, ये आईसी की अगर मैं बात करूँ तो ये है ओबीपी आईसी, जिसको हमने यहाँ पर डिजाइन करके यहाँ पर बताया हुआ है। अच्छा, इस आईसी को मैं थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे करता हूँ, तो चलिए इस आईसी को थोड़ा डिटेल करते हैं। देखिए, ये आईसी यहाँ पे 12 बॉल की आईसी है, ये आईसी और 12 बॉल की। हालांकि जैसे यहाँ पे मैंने ना 9 बॉल का सर्किट बताया है, तो आप देख सकते हैं 3, 3, 6 और 3, 9 बॉल, वैसे ही इस आईसी में 12 बॉल के हिसाब से एक इनपुट और एक आउटपुट दिया है और ग्राउंड दिया है, क्योंकि 12 बॉल में उन्होंने पावर रिसेट का सर्किट भी डाला हुआ है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर 12 बॉल को इस तरह से यहाँ पर बताया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पर इस आईसी का थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पर बता सकूँ, तो चलिए इस आईसी की डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो चलिए, ये हमने इस आईसी की डिटेलिंग यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। और मैं हमेशा कोई भी नया सर्किट बनाता हूँ तो उसको आप जैसे कि देख रहे होंगे, हमेशा अपने आसपास लगा देता हूँ, ताकि वो सर्किट मेरे दिमाग में रहे और 24 घंटे मुझे ये बताता रहे कि देखिए ये सर्किट में अपन और कुछ जान सकते हैं, नई नई चीज़ हम यहाँ पे इन्वेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 12 बॉल की ऐसी है जिसमें A1 इसका ग्राउंड है, A4 और B4 ग्राउंड है। देखिए, आपने देखा होगा कि दो बॉल थोड़ा सा आपस में मिल रही होगी, मैंने कि वहाँ पे यूवी ग्लू का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी दोनों बॉलें वो ग्राउंड है। अगर वो दोनों मिल भी रही हैं तो उसका कोई रीज़न नहीं बनता है। जो बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम थी वो इनपुट लाइन पर थी, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से कचरा और वाटर डैमेज मोबाइल हो सकता है, तो उसमें पानी जा सकता है। उस वजह से जरूरी नहीं है पूरे फोन में गए, हो सकता है कि अपने एरिया पे पानी चला गया हो। और यहाँ पे आपने देख रहा होगा कि C3 C2 इसकी इनपुट लाइन है और B3 इसकी इनपुट लाइन है, जो कि आउटपुट हो रही थी B2 आपके B2 A2 और A3 से। हम चाहें तो इसके अंदर हम जम्पर मार के इसको हम बाईपास कर सकते हैं, पर इसको बाईपास करने से क्या रिजल्ट निकलता है क्या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आईसीओ का जम्परिंग उतने टाइम के लिए आपका सक्सेस आपको दे सकती है, आपका कस्टमर चला जाएगा पर अगले दिन फिर खराब हो गया, तो ये काम का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। मैं ये समझता हूँ कि काम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। तो ये आईसी की डिटेलिंग अगर मैं यहाँ पर आपको देखिए, ये मैंने पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है, आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो तो नीचे से डाउनलोड कर लेना, अभी समझ लीजिए इसको पूरी तरीके से। हमने यहाँ पर आपको स्टेप टू स्टेप दिखाया हुआ है।
सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा बी बस इनपुट हो रहा है इस कैपेसिटर के थ्रू, जो कि यहाँ पे हमने 5 वोल्ट देखा, और हमने यहाँ इस मॉसफेट से होते हुए, जो कि मॉसफेट ये लगा हुआ है, इसके 1, 2, 4, 5, 6 से होते हुए इसके चौथे नंबर की पिन से, यहाँ से चौथे नंबर की पिन से ये मॉसफेट यहाँ से निकलते हुए इस कैपेसिटर से, जो कि हमें यहाँ भी 5 वोल्ट मिल रहे थे, इस ओबीपी आई सी में जा रहे थे, जो कि यहाँ से इसके A2, A3 और B2 में होकर इस फिल्टर कैपेसिटर से इन बस इसके आईसी में इनपुट होने थे। क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लक्चुएटर, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं था, तो इसका फॉल्ट यही था कि इस आईसी में प्रॉब्लम था। और जनरली आज के जितने भी सेट आ रहे हैं वो जनरली इसी आईसी में ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नए सेटों में किस तरह की आईसियाँ आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में अभी बहुत कम ऐसे हैं जो अपडेट कर रहे हैं, अब जो कर रहे होंगे वो अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश के सारे इंस्टीट्यूट बहुत अपने आप को अपडेट करें और अपडेट करके अच्छे अपने स्टूडेंट के बारे में सिखाएं, क्योंकि जो सेट वो यहाँ बनाएंगे वो अच्छी बात है कि वो उनके पास भी आए, तो उनको भी लगेगा कि हाँ मुझे इस सर्किट का नॉलेज है। और दोस्तों मैं यहाँ पर इन दोनों आईसीओ का सर्किट आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने ये सर्किट यहाँ पे बनाया। और अगर डायरेक्ट जम्पर की बात करें, डायरेक्ट सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं, तो आप चाहते तो इस कैपेसिटर से हम इस कैपेसिटर पे जम्पर मार सकते हैं, जो कि डायरेक्ट जम्पर सोल्यूशन है। बट इफ़ अगर शॉर्ट और लीकेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें इस आईसीओ को निकालना ही पड़ता, तो पूरा इस आईसीओ पर ही काम था। और जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये हमारा ओप्पो A3s जो मोबाइल है, इसको हमने किस तरीके से रिपेयर किया, हमने आपको पूरा सही तरीका आपको बताया। और इसी आसान तरीकों से और पता करने के लिए हमारे और भी वीडियो हैं, वीडियो लिस्ट में जाइए, 500 से ज़्यादा वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, जहां हमने ये आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कि किस तरीके से हमारे इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, कितना हमारा आउटपुट निकल रहा है। और बाकी की बात तो खैर इस वीडियो में नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हालांकि कुछ ही फॉलोअर्स होंगे जो मेरे वीडियो के एंड तक देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ कट बात देखने की आदत होती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करना। अगर आपको कोई माल, कुछ भी आपको टूल्स खरीदने हैं अच्छे परसेंटेज पे, एक अच्छे उस पर डिस्काउंट रेट पे और अच्छी वारंटी में, तो आप नीचे दिए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं इंस्टेंट 2 के लिए। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप इससे अनवेयर हैं कि हमने चालू की है इंस्टेंट कॉलिंग सर्विस, तो आप उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ आप पर हमारे स्टूडेंट और ग्रुप में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जुड़े रहे चैनल से और इसी तरह से हमारे से, और सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू वेरी मच। और कंपोनेंट के बारे में क्या कहना था? स्पेशल चीज दिखा रहे हैं, हालांकि स्पेशल नहीं है, कॉमन है, फिर भी एक हम हमेशा वीडियो में एक क्रिकेट टीम को और फिर टीम को और आने वाले समय में देने वाले हमारे और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए 1 महीना भी बहुत है। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.